अब यही है, अब लड़के अब सब एकत्र होना शुरू करेंगे और हाईकोर्ट के द्वारा भी रिट याचिका दायर की गई है छात्रों के द्वारा कि हमारी मांग है कि एग्जाम को रद्द किया जाए। पहला तो एक तो सीबीटी मोड से होने के बाद ये ओएमआर में चला जाता है, पहला शंका यहीं से शुरू हो गया था। उसके बावजूद भी हम छात्रों ने यही उम्मीद जताई कि नहीं, ये क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने से 4-5 दिन पहले ही मार्केट में ऐसा सुनने को आ रहा था कि क्वेश्चन आउट है, 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख ऐसा चल रहा था। तमाम बातें चल रही थी, यहाँ पे लेके जाना है सेंटर में, एक दिन पहले आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा, सब चीज़ तमाम चीज़ें, लेकिन छात्र इस बात पे नहीं आए। हम छात्रों ने ये भरोसा जताया कि नहीं, सरकार एक इस एग्ज़ाम को इतने सालों के बाद ले रही है तो अच्छे तरीके से कराएगी। चेयरमैन साहब से भी हम उम्मीद किए क्योंकि इनके बारे में तो हम जानते ही थे कि एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व है, तो ऐसे तो होने देंगे नहीं। और काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया गया है सेंटर, जैसे ये पेशी में आप देखेंगे तो सेंटर वाइज सेंटर हाईजेक किया गया था। तो इस बार क्या किया गया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सेंटर था, जैसे मेरा सेंटर है तो वहाँ पे संजीत सुनील एसएस नाम से, किसी सेंटर पे पीपी नाम से, तो सेंटर हाईजेक करने का तो खत्म हो गया था। लेकिन जो ये क्वेश्चन लिख हो गया ये एजेंसी के द्वारा, मुझे जहाँ तक लगता है, हम छात्रों ने जितना अभी तक पता चला, हम उनके द्वारा पता चला है, तो ये मालूम हो रहा है कि एजेंसी द्वारा गड़बड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा आयोग के द्वारा कि जाँच किया जाए और एजेंसी को सबसे पहले ब्लैकलिस्ट किया जाए और वहीं से सारा खुलासा हो जाएगा। और ये कंफर्म है कि क्वेश्चन आउट हुआ है परीक्षा विवादों में, यही समस्या यही है कि अगर मुझे लगता है ये अगर ऑनलाइन मोड पे हो जाता तो ये हंगामा इतना नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि जो एक कम से कम एक एग्जाम ले रहे हैं, अब मैक्सिमम लड़के क्या है, जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके पास पैसा है, या फिर मैक्सिमम इसमें देखा जाए तो मनरेगा के जितने छात्र हैं जो 14 फाइनेंस में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम इसमें शामिल वही लोग हैं, उन्हीं का गिरोह पता चल रहा है, खुल के कोई सामने आ नहीं रहा है क्योंकि सब काम करा के साइड हो गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा एक तो रेगुलर बेस पे वैकेंसी नहीं आना, 8-7 साल से बेरोजगारी का वो एक स्ट्रीम लेवल पे, बहुत कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, इस वजह से ये करप्शन में घुस जाते हैं कि सेटिंग कराने के चक्कर में रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें को मैं सरकार से मांग करूंगा कि एक अच्छे से तरीके से जांच कराए, फेयर कराए और ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। सबसे बड़ी ये मैं हमारी मांग है कि ऑनलाइन एग्जाम हो।